दोस्तों आपने गुरु फिल्म तो देखी होगी। गुरु फिल्म का नायक गुरुकांत देसाई एक बात कहता है, वो कहता है कि मेरे गांव में एक कहावत कही जाती है कि जब लोग आपकी आलोचना करना शुरू कर दें तो आप ये समझिए कि आप तरक्की कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का विषय जो है आलोचना है, क्रिटिसिज्म है। ये क्रिटिसिज्म को हम कैसे लें, किस तरह से इससे बिहेव करें और ये क्रिटिसिज्म होता क्यों है। दोस्तों सच माना जाए तो क्रिटिसिज्म भी हमारी एक मूल प्रवृत्ति है। हमारे डेवलपमेंट में, हमारे डिफेंस सिस्टम में ये भी एक हथियार की तरह है। ये मूल प्रवृत्ति क्यों है? दरअसल दोस्तों विकास क्रम में हमने सीखा है कि किसी चीज को इवेल्युएट कैसे करें। कोई भी चीज जो हमारे जीवन में आती है हम उसको उसका इवोल्यूशन करते हैं, उसको परखते हैं, उसमें अच्छाई क्या है, उसमें बुराई क्या है, फिर उसके बाद हम उसमें जो अच्छाई है उसको अपनाना चाहते हैं या जो बुराई है उसको छोड़ना चाहते हैं। अब इसी प्रवृत्ति से क्रिटिसिज्म उत्पन्न होती है। आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जो बुरा है वो क्रिटिसिज्म और जो अच्छाई है वो एक तरह की आप कह सकते हैं कि उसकी प्रशंसा है। हमारे जीवन में क्रिटिसिज्म का कैसा रोल है? क्रिटिसिज्म दो तरह का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। एक तो कुछ हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, हमारे टीचर हैं, इस तरह के लोग भी हमें क्रिटिसाइज करते हैं। अरे तुम सुबह नहीं उठते, तुम टाइम से ये काम को नहीं करते, तुम वादा ठीक से नहीं निभाते हो, तुम पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। कभी कभी बड़े बुजुर्ग खींच जाते हैं और उस तरह की बात भी करते हैं अपने क्रिटिसिज्म में कि अरे कुछ नहीं करेगा, ये तो बेकार हो गया है, इसके पास कुछ करने को नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि विंस्टन चर्चिल के पिताजी भी उनके बारे में यही राय रखते थे, जो हम लोग के पिताजी रखते थे उनके पिताजी भी रखते थे, कुछ करेगा नहीं, घास छिलेगा, ये एकदम फेल्योर है एक नंबर का। और आपको पता ही है कि विंस्टन चर्चिल जो दुनिया के महानतम नेताओं में से एक साबित हुए इतिहास में। तो दोस्तों जो ये हमारे शुभचिंतक जो करते हैं क्रिटिसिज्म, कभी हमें बुरा तो लगता है लेकिन इसके पीछे भावना बहुत नेक है। वो हमें बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, हमें बहुत उन्नत करना देखना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए उनके मन में एक बेचैनी होती है और इस बेचारगी से निकलने के लिए वो हमारी आलोचना करते हैं। पर दोस्तों कुछ आलोचनाएं ऐसी होती हैं जो इससे अलग है। जब हम सफल हो रहे होते हैं, जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तब वो आलोचनाएं सामने आती हैं। तो ये आलोचनाएं कैसी हैं? ये आलोचनाएं बस वैसी ही हैं कि जैसे ही आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं वैसे ही किसी दूसरे लोगों के बीच में एक इन्फीरियॉरिटी पैदा शुरू हो जाती है। उन्हें लगता है कि ये आदमी तो हमारे बीच का ही था, हमारी तरह का था, हमारे ही जैसा था, इतना ये कैसे आगे निकल रहा है। और नेचुरली जब वो आपसे कंपीट नहीं कर पाते तो फिर वो आलोचना करके अपने को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें लगता है कि अरे इसने वो कर लिया तो कैसे कर लिया, इसने बड़े बड़े घटिया समझौते किए, इसने ये बहुत चालाक है, ये बहुत धूर्त है, ये बहुत मक्कार है, और ये सब कह के वो अपने को ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत ठीक हैं, बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं, इसलिए शायद बुरे लोगों को सफलता मिलती है, अच्छे लोगों को नहीं मिलती, और वो अच्छे व्यक्ति हैं। तो इससे उनका मन थोड़ा सा शांत होता है, थोड़ा सा उन्हें अच्छा लगता है। तो ये भी उनके एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम है, इसे बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए और इस बात को बहुत गहराई से समझना चाहिए कि वो कहीं बेचारे हैं, कहीं लाचार हैं, तभी तो आपकी आलोचना कर रहा है। आपकी आलोचना जो है एक प्रकारांतर से आप ये समझें कि एक अलग तरीके से आपकी प्रशंसा है। कोई भी आदमी किसी ऐसे आदमी की आलोचना नहीं करता जो उससे नीचे हो, हमेशा आदमी अपने से ऊपर के व्यक्ति की आलोचना करता है क्योंकि वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिससे उसके मन में ईर्ष्या पैदा होती है और उसको बैलेंस करने के लिए वो आलोचना करना शुरू करता है। इतिहास में आप देखेंगे दोस्तों कि कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति ऐसा नहीं गुजरा है जिसकी आलोचना ना हुई हो। थॉमस जेफरसन जब प्रेसिडेंटशिप का चुनाव अमेरिका में लड़ रहे थे तो उनके बारे में क्या क्या बुरी बात नहीं कही गई। कहा गया कि अगर वो जीत जाएंगे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, परिवार का कोई सेंटिटी नहीं रहेगी, औरतें गलत धंधे में चली जाएंगी और अमेरिका ने जो अब तक कुछ कमाया है वो सब नष्ट हो जाएगा। दोस्तों किस व्यक्ति के बारे में ये आलोचना की जा रही थी? वो व्यक्ति कौन था? थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन कौन? थॉमस जेफरसन जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था, ऐसे संत प्रवृत्ति के व्यक्ति के बारे में भी ऐसी ऐसी गंदी बातें कही गई। तो जब उनके साथ ऐसी आलोचना हुई तो हम लोग क्या हैं?
अब्राहम लिंकन जो महानतम राष्ट्रपतियों में से एक थे, जिस दिन बूथ ने उन्हें गोली मारी, जिस दिन वो डेथ बेड पर थे, उसके दूसरे दिन सुबह भी उनके बारे में अखबारों में बहुत सारी आलोचना प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, जैसे भी आप आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग निश्चित रूप से होंगे जो आपकी आलोचना करेंगे। विवेकानंद जब शिकागो में भाषण देने गए तो बहुत सारे लोगों ने उनकी आलोचना की और ये माना कि चूंकि वो समुद्र के पार चले गए हैं इसलिए उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। तो दोस्तों, कुछ भी आप करें, आपको आलोचना का सामना करना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आप फिल्मों में ऐसे अभिनेताओं को भी देखेंगे जिनके बारे में तरह तरह की बात कही गई। एक बहुत प्रख्यात अभिनेता है जिनके बारे में कहा गया कि इतना लंबा तो कोई आदमी आया ही नहीं था आज तक एक्टर बनने, ये कैसे एक्टर बनने आए, इनकी तो आवाज़ अच्छी नहीं है, आज उसी की आवाज़ की पूजा होती है। तो आलोचना से कोई भी बच नहीं सकता है। दोस्तों, जब भी कभी आपकी आलोचना हो रही हो तो पहले तो ठहर कर गहराई से सोचें कि कहीं वाकई वो आलोचना सच्ची तो नहीं है। कई बार आपके दुश्मन भी आपके बारे में ऐसी बातें और सच्ची बातें कहते हैं जो आपके दोस्त आपको नहीं बता पाते। तो निश्चित रूप से इसको गहराई से समझने की ज़रूरत है। एक बहुत छोटी सी और सुंदर सी कहानी है कि सिविल वॉर के टाइम में लिंकन के जो युद्ध मंत्री थे एडवर्ड स्टैंडन, उन्होंने किसी एक मुद्दे पर लिंकन की आलोचना करते हुए उन्हें मूर्ख कह दिया। हुआ ये था कि लिंकन ने आर्मी के डाइवर्जन का आदेश दे दिया था। स्टैंटन युद्ध मंत्री थे, उन्हें पसंद नहीं आया, उन्हें अच्छा नहीं लगा, उनकी ओपिनियन अपनी अलग थी, तो उन्होंने लिंकन को मूर्ख कह दिया। अब आप तो जानते ही हैं कि बहुत सारे लगाने भजाने वाले भी लोग होते हैं कि भैया कोई ऐसी बात पता चले तो तुरंत लेकर पहुंच जाएं। अब किसी ने मौका ताड़ा और लिंकन को जाके बता दिया कि स्टैंटन ने आपको मूर्ख कहा। लिंकन ने कहा कि अगर स्टैंटन ने मुझे मूर्ख कहा है तो जरूर इस बात में दम होगा, क्योंकि वो कोई भी बात ऐसे नहीं कहते। उन्होंने स्टैंटन को बुला के पूछा कि आपने ऐसा कहा है? उन्होंने कहा हाँ, ये मेरी भूल है कि मैंने ऐसा कहा, लेकिन आपने जो ये डिसीजन लिया था वो गलत था और आपने किसी के प्रभाव में आकर ऐसा किया जो कि सेना के लिए और देश के लिए उचित नहीं था। लिंकन ने अपनी गलती मानी और उस आदेश में सुधार किया और स्टैंटन को धन्यवाद दिया कि आपने मुझे करेक्ट करने का मौका दिया। तो दोस्तों, हम सब इस लिंकन जैसे नहीं हैं, हम सब तो ऐसे हैं या समाज में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि अगर कोई सबॉर्डिनेट उनके बारे में उनकी आलोचना कर दे तो फिर वो तो उसके पीछे ही पड़ जाएंगे, पर लिंकन ऐसे नहीं थे। ये बात लिंकन से सीखने लायक है। लेकिन क्या इसके बावजूद भी लिंकन की आलोचना नहीं होती थी? लिंकन ने कहा था कि मेरी इतनी आलोचनाएँ होती हैं कि अगर केवल मैं उसको बैठ कर पढ़ूं ही तो मेरा सारा समय उसी में चला जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो बस मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अपनी अंतरात्मा से सही कर रहा हूँ, देश के लिए अच्छा कर रहा हूँ, और फिर मैं किसी आलोचना पर ध्यान नहीं देता। तो दोस्तों, कभी जब ऐसी आलोचना हो रही है तो इससे निपटा कैसे जाए? इससे निपटने के दो सूत्र हैं। एक तो पहला सूत्र ये है कि इस तरह की आलोचना को अवॉइड किया जाए। अगर आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं, आप सही कर रहे हैं, तो इस तरह की किसी भी आलोचना पर बिल्कुल ध्यान न दें। वैसे ही कि जैसे कि एक बार हिंदी के एक महान लेखक अज्ञेय ने किया था। एक बार अज्ञेय से पूछा गया कि आप अपनी आलोचनाओं का जवाब नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? तो अज्ञेय ने हंसकर कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे आलोचकों को इस बात की खुशी मिले कि उन्होंने अज्ञेय को कुछ चोट पहुंचाई है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मतलब ऐसे समझिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और कोई आदमी कंकड़ से आपको मारने की कोशिश करता, उसने आप पर कंकड़ फेंका, आपकी पीठ पर लगा, और जब लगा तो आप पलट कर कुछ बोलेंगे, जब बोलेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि आपको चोट लगी है और उसके दिल को तसल्ली मिलेगी कि मैंने सही जगह चोट लगा दी। पर मान लीजिए ऐसा होता है कि आपको कंकड़ पीठ पर लगता है और आप चलते चले जाते हैं, आप कोई रिएक्शन शो नहीं करते, तो उसको कैसा लगेगा? उसको लगेगा, अरे लगता है कि मैंने चोट मारा तो था, लगा नहीं क्या, या ठीक से नहीं लगा, इसको तो पता ही नहीं चला। अब सारी मुश्किल बेचैनी उस आदमी के ऊपर हो गई कि यार मैं चोट पहुंचाना चाहता था लेकिन पहुंचा नहीं पाया। आपको लगी जरूर, लेकिन आपने रिएक्शन नहीं शो किया और आप आगे बढ़ गए। एक तो आपका समय भी बचा, आपकी ऊर्जा भी बची, आप अपने काम में चले गए और अगला परेशान भी। तो एक तो तरीका यह है कि इसको अवॉइड कीजिए, और दूसरा ये तरीका है, हालांकि ये बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए और कभी कभी ये आप कर सकते हैं, कि आप उसको ऐसा जवाब दें कि उसको लाजवाब कर दें। और ऐसी छोटी सी कहानी चार्ज बर्नार्ड की है।
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी के महान लेखक और ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर के बाद जिनको बहुत अच्छा नाटककार माना गया और जिनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो एक कार्टूनिस्ट ने उनकी आलोचना करने के लिए एक कार्टून बनाया और कार्टून में ये दिखाया कि सर के बल शॉ खड़े हैं। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया कि भाई बहुत सही चोट पहुंचाई इसने। लेकिन शाह ने दूसरे दिन बहुत मजेदार बात कही। शाह ने कहा कि ये जो कार्टूनिस्ट है ये बर्नार्ड शॉ को बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि यही जानता है ठीक से, और मैं जानता हूं कि बर्नार्ड शॉ का दिमाग जमीन पर रहता है, आसमान पर नहीं। तो दोस्तों, अगर कभी मौका हो तो आप इस तरह की अपनी आलोचना की जवाब दे सकते हैं, पर निश्चित रूप से सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस बात को अवॉइड किया जाए और इस बात को मान कर चलिए कि ईश्वर भी उतर जाए इस दुनिया पर तो भी आलोचना के बिना रह नहीं सकता। कोई भी ऐसा व्यक्ति दुनिया में महान से महानतम, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो नानक हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो विवेकानंद, कोई भी हो, आप अगर उनके बारे में पढ़ेंगे तो उनके समय में उनकी गहरी आलोचनाएं की गई थी। तो दोस्तों, गालिब ने इस पर एक बड़ा सुंदर शेर कहा है कि गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है सब अच्छा कहें जिसे। तो दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सभी लोग अच्छा कहें। तो मुस्कुराइए, इस बात की लिबर्टी लीजिए और उनको माफ़ कीजिए जो यूं ही आपकी आलोचना करते हैं, क्योंकि वो खुद दुखी हैं, खुद परेशान हैं। जिसके हाथ में कीचड़ होगा वही तो किसी पर कीचड़ फेंकेगा। तो इस बात से खुश रहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं और ये प्रकारांतर से एक बैकडोर से आपकी प्रशंसा है। ये जो आलोचना है उसको अपनी प्रशंसा समझिए, अपनी तारीफ समझिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।